अज दा नौजवान आंदा है हजरत जी मैं गुनाह करना मैनू पता ही नहीं लगता मेरे को गुनाह किवें हो जांदा है आज इस्तगफार कैसे करे केड़ा इस्तगफार जेड़े करांगे ते अल्लाह बरकत अता करेगा हाफिज जी केड़ा वजीफा है जिदे करन दी वजह दे नाल अल्लाह इना सारा कुछ अता करेगा कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं कारोबार अंदर किवें बरकत आ सकती है अल्लाह माल दौलत किवें अता कर सकता है أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا सामईन मुहतरम अल्लाह सुबहानहु व तआला दी अजीम शान और अजीम उल बरकत किताब दे विचों मैं जिस पर रहमत मुकाम नूं इस वक्त खुतबा जुमा दे अंदर तुसा अहबाब दे सामने तिलावत करन दी सआदत हासिल कीती है ए मुकाम आलिशान अल्लाह रब रहमान दी अजीम उल बरकत किताब दा 29वां पारा सूरत दा नाम सूरे नूह इस मुकाम अज़ीम शान नूं मेरे और तुआडे खालिक और मालिक ने जगां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते मक्का मुकरमा अंदर नाजल फरमाया हजरात हमा किस्म दी हमदो सना किबरियाई बड़ाई यकताई तन्हाई अल्लाह मालके अर्दो समा दी जाते पाक वास्ते है जो सारी कायनात नू पालने वाला हर एक नू उदे मुकर्रर वक्त रिजक पहुँचाने वाला अलीमुम बिदाति सुदूर और समीउम बसीरे अला कुल्ली शैइन कदीरे फ़आल लिमा युरीदे कायनात दे जर्रे जर्रे दा खालिक ओ मालिक है दुरुदो सलाम आकाए दो जहान ताजदारे मदीना सरूर व कल्बो सीना साके कौसर शाफी महशर मंबा रिश्तो हदायत कौनैन दे ताजवर इमामुल हरमैन सैयदुस्सकालैन इमामुल क़िबलतैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते अनगिनत ला तादाद रेन दे जर्रात नालों ज़्यादा पानी दे कतरात नालों ज़्यादा दरख्तां दे पत्तियां नालों ज़्यादा बल्कि जानदारां दे सांस नालों भी ज़्यादा दुरुदो सलाम दियां बारिशां होन हज़रात इंसान दा जिस्म और इंसान दा वजूद दो हिस्सियां ते मुश्तमिल है एक इंसान दा जिस्म जिन्हों बिरूनी हिस्सा किया जाता है ये इंसान का हिस्सा अल्लाह पाक ने मट्टी तो बनाया अल्लाह पाक ने यदि गजाइयत वास्ते भी मट्टी विचों खुराक नू पैदा किया दूसरा इंसान का जिस्म का हिस्सा इंसान का अंदरूनी हिस्सा जिन्हों रूह किया जाता है रूह नू अल्लाह पाक ने आसमान तो नाजल किया
और एदी गजाइत और एदी गजा वास्ते भी अल्लाह ने आसमान तो ही एदे वास्ते बंदोबस्त किया। हजरात जिमें इंसान दुनिया ते रह के ये चाहता है कि मेरे कपड़े साफ होने चाहिए ने, किसी किस्म का दाग दब्बा इन्हों कपड़िया नहीं आना चाहिए। इंसान उदे वास्ते उदा साबुन इस्तेमाल करता है, आज दे दौर अंदर सर्फ इस्तेमाल करता है, कई ऐसे सोडे इस्तेमाल करता है जिदी वजह तो इंसान का लिबास साफ हो जाए, इदे तो दाग खत्म हो जाए। ओ यार जिथे कपड़ा साफ करने वास्ते साबन का इस्तेमाल करना है, सर्फ नू इस्तेमाल करना है, ते अपने नामा या माल नू साफ करने वास्ते इस्तगफार का इस्तेमाल करया कर। जिमें कपड़े तो साबुन मैल साफ कर देंदा है, बिल्कुल इस तरह इस्तगफार इंसान दे नामा या माल विचों गुनावां नू साफ कर देंदा है, इंसान दे नामा या माल विचों गलतियां नू साफ कर देंदा है, कोताहियां नू साफ कर देंदा है। हजरात अज दे मुआशरे अंदर हर बंदा परेशान है, कोई अपने मामलात अंदर परेशान है, कोई अपने कारोबार के अंदर परेशान है, कोई अपनी औलाद के मामलात अंदर परेशान है, कोई अपने रिश्तेदार के मामलात अंदर परेशान है, कोई अपनी औलाद के मामलात अंदर परेशान है, कोई पैसे की वजह तो परेशान है, गोया के हर तरफों इंसान को परेशानियां ने घेरे है। हालात इतने साजगार नहीं कि इंसान खुशहाल दे नाल जिंदगी गुजार सके। हजरात अज की इस मुलाकात अंदर, अज की इस गुफ्तगू अंदर मैं इंशाअल्लाह रहमान हालात किवें बेहतर हो सकते ने, सानू अल्लाह माल किवें अता कर सकता है, साड़ी औलाद फर्मा बरदार किवें हो सकती है, साडे रिश्तेदार साडे नाल चंगे किवें हो सकते ने, कारोबार अंदर बरकत किवें आ सकती है, खुशगवार माहौल किवें बन सकता है। बस इन अल्फाज के उत्ते मैं अज दे खुतबाए जुम्मा अंदर तुहाडे सामने कुरान और हदीस विचो गुफ्तगू करना चाहना। आओ जरा अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िए। अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फरमाया फकुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ्फारा ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا। कायनात दे लोगो अल्लाह दा कुरान इस बात दा ऐलान कर रहे है। आगाज अंदर एक हदीसे मुस्तफा सुनो, मेरे आका अली सलातु सलाम मदीना पाक अंदर ने सहाबा ने इंज अचानक कालिया कटावां छा गईयां, इंज सूरज नू ग्रहण लग जांदा है, मदीने अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो जांदा है, ते मेरे आका अली सलातु सलाम परेशान हो गए। आका फरमांदे ने सहाबा पता नहीं कयामत कायम हो गई है, इन्नियां सख्तियां मदी ने अंदर आ गई ने। मेरे अकाली सलातु सलाम ने सहाबा नू नाल लिया, अकाली सलाम ने अल्लाह पाक दे सामने इस्तगफार किया, अल्लाह पाक दे सामने मुआफी नू मंगया, इंज मदीने तो कालियां कटावां साइड ते हो जांदियां ने, सूरज ग्रहण खत्म हो जांदा है। ओ वीरा अगर हालात साजगार होने चाहिए ने तो फिर करया कर इस्तगफार। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया वायुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बी अमवालियुं व बनीन व यजअल लकुम जन्नातियुं व यजअल लकुम अनहारा। कायनात दे लोगो अल्लाह दा कुरान इस बात दा ऐलान कर रहा है, फरमाया फकुल तुस्तगफिरू
रब्बकुम। सोने अपनी जुबान चो ऐलान कर दियो इन्हां कायनात दे लोगां नूं दस दियो इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब दे सामने इस्तगफार करो, अपने रब कोलों गुनाहां दीआं मुआफियां मंगो, अपने रब दे सामने आंसू बहाओ, अपने रब दे सामने अपनियां गलतियां नूं रखो। कायनात दे लोगो इधर मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम, इंज मक्के वालियां ने बड़ा ही जुलम कीता है। ओ केड़ा जुलम है जेड़े मक्के वालियां ने नहीं कीता, किते शेबे अभी तालब अंदर मेरे आका नूं कैद कीता, किते मैदाने अरफात अंदर आका अलैहि सलातु वस्सलाम ते जुल्मो जबर कीता, किते मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम दे सहाबा नूं तंग कीता। इंज सारे मक्के वालियां दे जुर्म मेरे आका नूं याद ने, ते मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने फिर भी बद्दुआ नहीं कीती। आका नूं इन्ने जुल्म मक्के वालियां ने दिते ने, लेकिन आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ नहीं कीती। इधर मक्का मुकरमा अंदर कैद पै जांदा है, लोग चमड़ा चूसन ते मजबूर हो जांदे ने, लोग सूगियां लकड़ियां खान ते मजबूर हो जांदे ने, चमड़ा खान ते मजबूर हो गए मक्के वाले। मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम दे चारन वाले, आका अलैहि सलातु वस्सलाम दे दाद के इन्हां सारियां ने मनसूबा कीता। आंदे ने साडे ते परेशानी आ गई है, साडे ते अजमाइश आ गई है, साडे ते दुख तकलीफ आ गया है, साडा होर कोई हल नहीं निकल सकदा। असीं अल्लाह कोलों भी इस्तगफार करिए, अल्लाह दे नबी कोलों भी मुआफ़ी मंगिए, अल्लाह दे नबी कोलों भी जाके मुआफ़ियां मंगिए। इधर सारे मक्के वालियां ने मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम दे कोलों मुआफ़ियां मंगियां ने, अल्लाह ने खुशहालियां अता कर दित्तियां ने, अल्लाह ने कैत सालियां दूर कर दित्तियां ने, अल्लाह ने माल वफर अता कर दिता है। आओ जरा अगली गल सुनते जाया जे, हालात किवें बेहतर हो सकते ने। अज दे खुतबा जुमाना दे जुमला याद करके लै जाया जे, हालात किवें बेहतर हो सकते ने। अल्लाह को इस्तगफार करके हालात बेहतर हो सकते ने, अल्लाह को माफी मंग के हालात बेहतर हो सकते ने, अपने गुनाहों को अर्श वाले दे सामने रख के हालात बेहतर हो सकते ने, अल्लाह को गुनाहों दियां माफियां मंग के हालात बेहतर हो सकते ने, अपने गुनाहों को याद करके आखिया कर अल्लाह पाक दे सामने रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा जेक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। कायनात दे लोगो इधर मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम इंज मक्का नूं फतह कर लिया है, इंज सारा मक्का मेरे आका दे सामने वे। आका फरमांदे ने ओए मक्के वालेओ, मेरे आका ऐलान करदे ने फरमाया ओए मक्के वालेओ, तुसी मेरियां बेटियां नूं तलाकां दित्तियां ते मैनू याद है। ओ मक्के वालेओ, तुसी मेरे ते ताने कसे ते मैनू याद है। ओए मक्के वालेओ, तुसी मेरी ज़ैनब दे पेट विच नेज़े मारे ते मैनू याद है। ओ मक्के वालेओ, तुसी मेरे बिलाल नूं तपदियां कोलियां ते लटाया ते मैनू याद है। ओए मक्के वाले हो, तुसी मेरियां ज़ैनब दियां अखां निकाल दितियां ते मैनू याद है। ओए मक्के वाले हो, तुसी मेरे शेबे अभी तालब अंदर 3 साल दा कैद कीती रखिया, मुकम्मल बाइकाट कीता मैनू याद है। ओए मक्के वाले हो, तुसी बदर दे मैदान अंदर मेरे ते हमले कीते ते मैनू याद है। केड़ा केड़ा जुर्म दसा ते केड़ा ना दसा। ओ मक्के वाले हो,
तुसी ओहद मैदान अंदर मेरे दंदान नू शहीद कीता ते मैनू याद है, तुसी मेरे अमार नू सूली लटकाया ते मैनू याद है। ओ मक्के वाले ओ तुसी मेरे गले मुबारक अंदर कपड़ा चार के वट डाले ते मैनू याद है। ओए मक्के वाले ओ तुसी मैनू काहन ते न झूमी आखिया ते मैनू याद है। ओए मक्के वाले ओ अज केड़ा केड़ा जुर्म तुहानू याद करवावा, तुसी मैनू मक्कियों निकलन ते मजबूर कीता ते मैनू याद है। मेरे कोलो बैतुल्ला दियां चाबियां ले लईयां ते मैनू याद है। ओए मक्के वाले ओ तुसी मेरे ते गंदियां ओजड़ियां सुटियां ते मैनू याद है, तुसी मेरे ते तरह तरह दे मजालम डाए ते मैनू याद है, मेरे ते पत्थरां दी बारिश कीती ते मैनू याद है। केड़ा केड़ा बदला लवां ते केड़ा ना लवां, इंज सारा मक्का मेरे आका दे सामने वे आवेख हालात किवें बेहतर हो सकदे ने। कायनात दे लोगो इधर मेरे आका ने सलातु सलाम दे सामने सारा ही मक्का खड़ा है। मेरे आका फरमांदे ने दसो अज केड़ा केड़ा बदला लवां ते केड़ा ना लवां। इधर इकरमा नू पता लगदा है ए अबू जाल दा पुत्र है, इनू पता लगदा मेरे आका ली सलाम ने मक्का फतेह कर लिया है। ए मक्कियों निकलदा है समंदर अंदर चला जांदा है, कश्ती डोले खान लग जांदी है। जदों कश्ती डोले खान लग जांदी है कश्ती दा मल्ला बोल के आंदा है, अज अगर इत्थे कम आएगा अरशां वाला रब कम आएगा, अज अगर कम आएगा अल्लाह मालिक इर्ज़ो समा कम आएगा, अज लात कम नहीं आएगा, अज हुबल ते उज़ा कम नहीं आएगा, अज लात ते मनात कम नहीं आणगे। इकरमा कह लगा अगर इन्नी गल है, अगर अल्लाह पाक नू पुकारन तो इन जात पानी है, फिर इत्थे भी मैं अल्लाह कोलों मुआफ़ियां मंगना, मैं मदीने जाके भी नबी पाक दे सामने मुआफ़ी मंगागा। कायनात दे लोगो इधर पता की लगया, इकरमा समंदर दे किनारे आ जांदा है, एदी बीवी उम्मे हकीम सामने खलोती है, आंदी है मैं नबी पाक को इजाजत ले आया। मेरे आका ने सलातो सलाम ने ऐलान कीता सी, आका ने फरमाया ओ मेरे सियाबा अज सारियां नु माफी दा ऐलान है, लेकिन तीन बंदियां नु माफी दा ऐलान कोई नहीं, ओदे विचो एक इकरमा भी है। फरमाया अगर बैतुल्ला दे खिलाफ नाल चिमटिया भी नजर आए इनू उथे भी कतल कर दिया जे। एदी बीवी मेरे आका ली सलाम दे कोल आई, आके आंदी है या नबी अल्लाह मेरा खावंद इस्लाम कबूल करना चाहता है, मैं तुहाडे कोलों अमान लैण वास्ते आई हाँ, तुहाडा कोई जानसार तुहाडा कोई भी जान वाला तुहाडा कोई भी सियाबी मेरे खावंद नाल तलवार नाल वार ना करे। मेरे आका ली सलाम ने अमान दे दिती। इधर इकरमा ने आके आका ली सलाम तू सलाम दे सामने इस्लाम कबूल कीता। वजह की है अगर मुआफ़ी मंगन दे नाल हालात बेहतर हो सकते ने, मुआफ़ी मंगन दे नाल हालात साजगार हो सकते ने। कायनात दे लोगो हालात बेहतर तवीज़ा नाल नहीं हो सकते, हालात बेहतर फूका नाल नहीं हो सकते, हालात बेहतर कड़े पान दे नाल नहीं हो सकते, हालात बेहतर छलियां दे नाल नहीं हो सकते, हालात बेहतर बवासीर दे छलियां नाल नहीं हो सकते, हालात बेहतर गले अंदर तवीज़ रखन दे नाल नहीं हो सकते, हालात बेहतर गले अंदर तवीज़ लटकान नाल नहीं हो सकते, हालात बेहतर अपने डोले नाल तवीज़ बनन नाल नहीं हो सकते, हालात बेहतर होणगे अल्लाह कोलों मुआफ़ी मंगन दे नाल होणगे, हालात बेहतर होणगे अल्लाह दे सामने आंसू बहान नाल होणगे, हालात बेहतर होणगे अल्लाह दे सामने अपने गुनाहां नूं रख के रोण दी वजह दे नाल होणगे। अल्लाह फरमांदे ने फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। कायनात दे लोगो अगली आयत दा तर्जुमा अल्लाह फरमांदे ने वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अगर मेरे कोलो मुआफ़ी मंगोगे अल्लाह जी मिलेगा की। अल्लाह फरमांदे ने मैं तुहानू बारिशां अता कर दियांगा, तुहाडी फसल बेहतर कर दियांगा, तुहाडे वास्ते खाण पीन दे इंतजाम कर दियांगा, तुहाडियां जमीनां नू सराब करांगा। वजह की है फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम,
अल्लाह पाक दे सामने इस्तगफार करना है। अल्लाह फरमांदे ने फिर मैं बारिशां भी अता करांगा। इहदे नाल एक हदीस तू अटैच करा, बुखारी पाक अंदर रवायत मौजूद है, हजरत उमर बिन खताब दा दौरे खिलाफत है। कौन हजरत उमर बिन खताब? मेरे आका अली सलातू सलाम दा जान सारे, जिन्हों मेरे आका ने मंग मंग के ले आए। अल्लाह गुम्मा आइज अली सलाम भी उमर बनिल खताब आओ भी अमर बनिल हशाम। हजरत उमर बिन खताब दा दौरे खिलाफत इंज कैद पै जांदा है, अल्लाह ने बारिशां नू रोक दिता है, अल्लाह ने बारिशां बंद कर दितियां ने। हजरत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाल दे यारां नू लैके निकलदे ने बाहर मैदान अंदर, आंदे ने आओ अज अल्लाह पाक नू इस्तगफार करिए, अल्लाह बारिशां अता कर देगा, अल्लाह मौसम चंगा कर देगा। हजरत उमर बिन खताब निकले, जाके मुआफ़ी मंगन लग पे, आखिया अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हाँ, अल्लाह मेरे लोग बड़े गुनाहगार ने, अल्लाह सी तेरे अजाब नू बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह सी कमजोर लोग हाँ तू ताकतवर है, अल्लाह तू जब्बार है तू कहार है, अल्लाह सी कमजोर जे लोग हाँ, अल्लाह साडिया गलतियां वल ना वेखी, अल्लाह सानू रहमत दी बारिश अता कर। इधर जे दुआ मुकम्मल हुई है, आसमान तो अचानक बारिश बरसना शुरू हो जाती है। सियाबा कहन लगे अमीरुल मोमिनीन तुसी ते बारिश वास्ते दुआ नहीं कीती। हजरत उमर बिन खताब फरमांदे ने तुसी अल्लाह दा कुरान नहीं पढ़िया। अल्लाह फरमांदे ने फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्ना अल्लाह ने आसमान तो बारिश अता कर दिती है। अगली आयत दा तर्जमा वयुमदिदकुम बी अमवाल, अल्लाह फरमांदे ने मेरे कोल इस्तगफार करना तुहाडा कम है, मैं तू माल भी अता करांगा, कारोबार अंदर बरकतां भी अता करांगा, मैं तुहाडे कारोबार नू चमका दियांगा, मैं तुहाडे माल अंदर बरकतां दा नज़ूल करांगा। वयुमदिदकुम बी अमवाल, मैं तुहाडे माल अंदर बरकतां पा दियांगा। अल्लाह भुखां दूर कर देगा, अल्लाह मुश्किल हालात खत्म कर देगा। तुसी आखोगे दलील की है, आओ जरा मैं इब्ने माजा दी रिवायत पढ़ा। हजरत आमीना दे जान सारे ऐसे हाबी घर अंदर आंदा, इनू भुख लगी है, आंदा नहीं अल्लाह वाली है मैनू खान ले कोई चीज चाहिए। अल्लाह वाली कहन लगी आज कई दिन हो गए ने घर अंदर खाना मौजूद ही कोई नहीं, कई दिन हो गए ने घर अंदर खाना मौजूद ही नहीं। ते मेरे आका अली सलातो सलाम दियां बीवियां दा की आलम है? एक आने वाला आया आंदा सोनिया मैनू भुख लगी है, नबी पाक ने फरमाया जा फलां सहाबी नू फरमाया जाओ मेरे घर अंदर पता करो किसे घर चो खाना मिल जाए तो लैओ। सहाबी फरमाते ने मैं सारिया घर का चक्कर लाया, उम्महातुल मोमिनीन को पुछिया किसे एक घर चो भी खाना खाने नू नहीं मिलिया, लेकिन उन्होंने शिकवे नहीं किते। अज दियां औरतां नू बीवियां नू मावां बहनां नू पैगाम दवांगा, अगर खावन दे घर अंदर कोई मुश्किल वेला आ जाए आसमान नू सिर ते ना चुक लिया कर, उत्थे पवाड़े लड़ाइयां ना पाया कर, अपनी जुबान चो शिकवे ना करिया कर। मन नवा मैं इंसान दे नाल सारियां ख्वाहिशात ने, अल्लाह ने तेनू खान जोगी रोटी दिती है, अगर ख्वाहिशात नहीं भी पूरियां ते फिर कड़ी गल है। उन्हां लोगां नू पुछिया कर जिन्हां कोल खान लई रोटी भी कोई नहीं। मेरी माओ बहनों अपने खावन दे शिकवे गिले ना करिया करो, अपने पेकियां नू टेलीफोन करके ना दसिया करो। 99% घर अंदर लड़ाइयां इस वजह तो हो रही ने कि बीवी अपने खावन दे शिकवे गिले दूसरियां नाल कर दी है। अगर घर अंदर कोई तंगी आ गई है, कोई हालात माड़े आ गए ने, अगर कोई आजमाइश आ गई है तो उहदे ते सबर कर। हजरत अयूब की बीवी का वाकया तेरे सामने में,
किनिया बीमारियां आई आजमाइश आई लखा तो कख हो गई। अल्लाह पाक ने सारा कुछ ले लिया लेकिन उन्होंने शिकवा किया नहीं किया। खावन दे शिकवे गिले ना करिया कर। ओ अगर तेरा खावन जिंदा है ए ही अपने वास्ते गनीमत समझिया कर। बेवा नू पुछिया कर ओदी जिंदगी कखा नालों भी हौली हो जाती है दर दर दी मोहताज बन जाती है। ता ही ते मैं अर्ज करना चाह रहा कायनात दे लोगो इधर नबी पाक दा सियाबी है एक घर अंदर गया खान नू चीज कोई नहीं बीवी ने भी शिकवा नहीं किया। मैं जिदन दी आई हाँ तेरे घर अंदर सुकून ही नहीं वेख्या। पहला मैं ठीक सा लेकिन जिदों दी तेरे घर आई हाँ मैनू अजाब ही अजाब ने। इंज दा शिकवा गिला नहीं किया बल्कि आखिया घर अंदर चीज मौजूद कोई नहीं। खावंद बाहर निकलिया इन्हें भी इस्तगफार शुरू कर दिता है। इदी बीवी ने भी घर अंदर इस्तगफार शुरू कर दिता है। ते मेरे आका अली सलातु असलाम दा जान सारे ए इस्तगफार करी जा रहा है। घर अंदर एक नुक्कर ते चक्की है पुराने लोगों नू पता है वो चक्की हाथ दे नाल चलन वाली। ए सियाबी दी बीवी बयान कर दी है मैं वेनी किया चक्की अपने आप ही चलना शुरू हो जाती है। ओदे विचों आटा निकलना शुरू हो जाता है ओदे विचों आटा निकलता रहिंदा है। सियाबी दी बीवी आटा गुन के रोटियां बनांदी है। खामंद घर अंदर आउंदा है पुछदा नहीं करमा वाली है ए आटा कित्थों आया रोटी कित्थों आई है। ते करमा वाली आंदी है मेरे सिर दे ताज मैं भी इस्तगफार शुरू कर दिता है क्योंकि मैं कुरान पाक दी आयत नु पढ़िया वयुमदिदकुम बिअमवाल। अल्लाह माल भी अता करेगा अल्लाह रोटियां भी अता करेगा। मैं इस्तगफार शुरू कीता है जिदी वजह तो अल्लाह ने गैब विचों आटा अता कर दिता है। ते सारा मामला मेरे आका अली सलातु वसलाम दे सामने पेश किया जाता है। ऐसिया भी चक्की नु खोल के वेंदा आंदा मैं वेखा दे सही थले किन्ना को आटा रह गया है। ए चक्की आटा निकालना बंद कर देंदी है। मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने ओ मेरे प्यारे सियाबी अगर तू चक्की नू ना रोकदा सारे मदीने अंदर एडा आटा तकसीम कीता जांदा फिर भी एडा आटा खत्म नहीं होना सी। क्यों अल्लाह दा वादा है वयुमदिदकुम बी अमवाल। अल्लाह फरमांदे ने मैं तुआडे नू माल भी अता करांगा रिजक भी अता करांगा। किथे मैनू वाकिया याद आया हजरत इमाम अहमद इबन हंबल रहमतुल्ला अलैह ए कौन नबी दा यार है आमीना दिलाल अलैहि सलाम नू मानने वालो। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल पता किवें दा इमाम है इन्हां दी बेटी घर अंदर मौजूद है टुरदियाँ फिरदियाँ चलदियाँ फिरदियाँ अपनी जुबान चो कुछ पढ़ती है गुनगुनाती है। ते हजरत इमाम अहमद बिन अंबल फरमाते ने अल्लाह वालिए दस की पढ़नी है नहीं मेरी बेटी दस की तिलावत करनी है। और नौजवानों बाबियो अपने घर का इंज का माहौल बनाओ औरतों को गाने ना सुनाया कर फिल्मा ड्रामिया का कल्चर ना दिया कर। अज किचन अंदर कम कर रही है ते नाल ड्रामा वेख रही है। अगर बच्चे दूध पिला रही है ते नाल ड्रामा वेख रही है। अगर झाड़ू दे रही है ते ने ड्रामा ला के रखे आए लेकिन वेख किरदार किवें दा है। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्ला अलैह दी बेटी है पुछिया बेटी की पढ़नी है आंदी अब्बा जी मैं कुरान पाक दियां आयात तिलावत करनी आ। बाप आंदा पुत्र किन्ना कु कुरान पढ़ लेनी है ते बेटी अगो जवाब देंदी है अब्बा जी मैं आटा गुनदी कम करदी घर दे काम कर दी अल्लाह दे कुरान दे एक दिन अंदर पांच पारे तिलावत कर लेनी आ। ते साडा की आलम है एक सूरत भी नहीं पढ़ते। ता ही ते अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है फरमाया कायनात दे लोगो वा कुरसी लिस समा अलैकुम मिदरारा वा यमदिदकुम बि अमवालिम वा बनीन वा यजअल लकुम जन्नातिन वा यजअल लकुम अनहारा। कायनात दे लोगो अल्लाह फरमांदे ने मैं तुहानू बेटे भी अता करांगा वा यमदिदकुम बि अमवालिम वा इस्तगफार करन दी वजह दे नाल मैं तुहानू धियां पुत्र भी अता करांगा। धियां पुत्र देंदा ते कौन देंदा
अल्लाह पाक दी जात अता कर दिए तिया पुत्र अता कर दे ते मेरा अर्श वाला रहमान अता कर दे लिखिया किथे वे अल्लाह फरमांदे ने लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजु मज़ुकरान व इनासा وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ وَكِيمًا अल्लाह फरमांदे ने तियां भी मैं अता करना ते पुत्र भी मैं ही अता करना रनवी बारिश भी मैं ही पा देना अगर इस्तगफार करेगा अल्लाह तेनू बरकत अता करेगा इस्तगफार करेगा अल्लाह तेनू माल अता करेगा इस्तगफार करेगा अल्लाह तेनू तियां पुत्र अता करेगा इस्तगफार करेगा अल्लाह तेरे वास्ते माल का जरिया बन जाएगा तियां देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछेगा तिया पुत यारो मोतियां अनमोल ने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने रब वेखो कर है कमाल छड़िया एक एक दाने विचो सिटा कढ़िया रब वेखो कर है कमाल छड़िया एक एक दाने विचो सिटा कढ़िया रब वेखो कर है कमाल छड़िया एक एक दाने विचो सिटा कढ़िया जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोलने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने किवें चिड़िया ते ममोले शंगारे रब ने किवें मोरा उते रंग चाड़े रब ने किवें चिड़िया ते ममोले शंगारे रब ने किवें मोरा उते रंग चाड़े रब ने कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने तियां देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी ना देवे उन्हों कौन पुछेगा तियां पुत यारो मोती अनमोल ने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने किवें तारियां दे रब ने नगीने जड़े ने वेखो ते सही किवें आसमान खड़े ने थम्मा थुम्मा थले ना कोई दिते बोलने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने कायनात दे लोगो आओ दरा मीना दे लाल अलैहि सलाम नु मानने वालो ताई ते अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है फरमाया वा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदुकुम बिअमवालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा तीसरे नंबर ते आका अलैहि सलाम फरमांदे ने अल्लाह औलाद भी अता करेगा वयजअल लकुम जन्नात चौथे नंबर ते मेरे आका अलैहि सलाम फरमांदे ने अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है जेड़ा बंदा इस्तगफार करदा अपने गुनाहों की माफी मंगदा है अल्लाह नू चौथे नंबर ते की नेमत अता कर देने अल्लाह नू बाग अता कर देंदे ने अल्लाह खाण वास्ते माल अता कर देंदे ने वा जन्नात अल्लाह नू बाग अता कर देने उनू फल अता कर देने अगे अल्लाह ने फरमाया वा यजअल लकुम जन्नातियों वा यजअल लकुम अनहारा अल्लाह पानी भी अता कर देंदा है अल्लाह वाफर पानी भी मकदार अंदर अता कर देंदा है फिर डैम बनाने की लोड़ कोई नहीं फिर पानी स्टोर करने की लोड़ कोई नहीं फिर सारे निजाम अल्लाह पाक सारे अपनी कुदरत दे नाल बेहतर चला देंदा है कायनात दे लोगो आका अली सलातु वसलाम नु मानने वालो हुन आखरी गल्लां ते इत्तेफाक करांगा अज दा नौजवान आंदा है हजरत जी मैं गुनाह करना मैनू पता ही नहीं लगता मेरे कोलों गुनाह किवें हो जांदा है आज इस्तगफार कैसे
ऐसे करें केड़ा इस्तगफार है जिड़े करांगे ते अल्लाह बरकतां अता करेगा। हाफिज़ जी केड़ा वजीफा है जिदे करन दी वजह दे नाल अल्लाह इना सारा को जता करेगा। कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं, कारोबार अंदर किवें बरकत आ सकती है, अल्लाह माल दौलत किवें अता कर सकता है। तीन वजीफे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस दी रोशनी अंदर तीन दुआवां मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाइया ने। जड़ा बंदा ए दुआ करदा है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैही, एदे नाल भी अल्लाह माल अता करदे ने। अगर ए नहीं पढ़ सकदा मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने दूसरे नंबर ते बंदा ए पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैही। तीसरे नंबर ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अगर ए दोवें नहीं पढ़ सकदा फिर ए बंदा अपनी जुबान चो ऐलान करे अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैही। अगर ए तीन ही नहीं पढ़ सकदा, अगर इन मुश्किल लगदे ने जुबान ते नहीं चढ़दे, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फिर अपनी जिंदगी अंदर फिर अपने उठ दियाँ बैठ दियाँ चल दियाँ फिर दियाँ सुबह शाम अंदर अपनी जुबान ते अस्तगफिरुल्लाह दा विरद जारी कर ले, उठ दियाँ बैठ दियाँ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम दा की आलम है, मैं ते हदीस पाक अंदर पढ़िया सा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन अंदर 700 मरतबा इस्तगफार करिया कर दे, तुसी ते मैं 100 मरतबा भी नहीं कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम 700 मरतबा करिया कर दे। है कौन इमामुल अंबिया है, कर कौन रिया खतीबुल अंबिया है, कर कौन लिया वालिए बतहा है, ए कर कौन रिया सारी कायनात दा सरदार है जिदे नाम अमाल अंदर गुनाह है ही कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ए सारे अपने दिन दी रूटीन बना लै, फिर वेख अल्लाह आसमान तो भी रिज़क अता करेगा, अल्लाह जमीन दियां तहवां चों भी तैनू रिज़क अता करदा रहेगा। वजह की है इस्तगफार करने हालात बेहतर हो सकते ने। अज दे खुतबा जुमा दा उनवान हालात किवें बेहतर हो सकते ने, हर बंदा परेशान है। कुरान पाक दी एक आयत जे मैं तशरीह कर रहा वयुरसिली समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवाल वबनीन वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा। अल्लाह फरमाते ने इस्तगफार करना तुहाडा काम है। पहले नंबर ते मैं तुहानू माल अता करांगा, दूसरे नंबर ते तुहानू धियां पुत्र अता करांगा, तीसरे नंबर ते तुहाडे वास्ते जमीन विचों रिज़क अता करांगा, चौथे नंबर ते वाफर मिकदार अंदर पानी अता करांगा, पंजवें नंबर ते आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह का कुरान ऐलान करता जिहड़ा बंदा इस्तगफार करता है अल्लाह पाक फरमाते ने मैं उस बंदे दीआं सारीआं परेशानियां दूर कर देना। ओए अगर बीमारियां दी शिफा लेना चाहना ते करिया कर इस्तगफार। आज मैं खुतबा जुमा दी वसादत दे नाल सैयद इकरारुल हसन शाह साहब नू सलामे अकीदत पेश करांगा, जिन्होंने शोबदेबाजियां नू और ड्रामेबाज पीरां नू जिन्हां नू ना अस्तगफिरुल्लाह दा तर्जमा हुंदा है ना सही तरह बिस्मिल्लाह हुंदी है ना सूरे बकरा दियां आखरी आयात हुंदियां ने, ते अवाम नू पागल बनाया शिफा दे नाम ते, अवाम नू पागल बनाया दमा दे नाम ते। 99% मुल्क पाकिस्तान अंदर ऐसे आस्ताने ऐसे मजार मौजूद ने जिन्हां ते शोबदेबाजियां दुकानदारियां चल रही ने। और यार मैनू दुख लगता है जदों दीन दे नाम ते लोग बगारियां करते ने, दिल खून दी आंसर होंदा है जदों नाम दीन दा लैके लोग अपनी दुकानदारियां चमकांदे ने और कोई तुहानू ढंग नहीं लभदा। खुदा दा नाम लैके कहांगा डरो अल्लाह पाक दे कहर तो, अगे थोड़ियां मुसीबतां फात ने, अल्लाह दे अज़ाब नू दावत दे रहे जे 95% मुल्क पाकिस्तान अंदर आस्ताने ते दवाखाने ऐसे ने जिन्हां ते सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी। कोई ये मत समझे कि मैं और वलियां दा मुनकर आ, मैं वलियां दा दिलों एहतराम करना, लेकिन होए कुरान दे मुताबिक। मैं उस वली नू वली नहीं मानता, मैं उस पीर नू पीर नहीं मानता, बल्कि इंसान ही नहीं मानता जिन्हों बिस्मिल्ला सही पढ़नी ना आए। वो कादा पीर है जिन्हों कुल हुवल्ला ना आए,
वह शैतान का चेला तो हो सकता है और रहमान का पैरोकार नहीं हो सकता। सोशल मीडिया भरिया पिया आस्तानिया दे नाल कबरां दे नाल। और यार इस्तगफार कर, केड़ी ऐसी दौलत है जिहड़ी अल्लाह ने इस्तगफार अंदर नहीं रखी। कोई ऐसा बंदा कह सकता है हज़रत जी मैं दिन अंदर 500 मरतबा इस्तगफार करना मैनू फिर भी कोई फर्क नहीं। और जो अपना ईमान ही इन्हें शोभ के बाजा से बना लिया, जो अपना ईमान ही इन्हें लुचिया लफंगिया बना लिया, वह हक खतीब पीर जिदा चेहरा ही सुन्नत के मुताबिक नहीं, अल्लाह ने उसके हाथ से शिफा किवें रखनी है। हक खतीब साहब अल्लाह के अजाब नूं दावत ना दियो। अगे ही मुल्क पाकिस्तान के हालात बहुत साजगार ने, अल्लाह मेरे मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमाए। ना मैं कदी फिरका वराना गुफ्तगु की है, ना मैं उदा कायल हाँ। मैं लानत भेजना वा फिरका वरानीयत गुफ्तगु करने वाले ते। लेकिन यार खून दे दिल आंसुर होंदे, दिल खून दे आंसुर होंदे जदों एक दीन दे नाम लैते शोभ दबाजियां कीतियां जा, लोगों दी इज्जतां नूं निलाम किया जाए, सरेआम उन्हां दे सामने कैमरियां दे सामने उन्हां दे नाल खिलवाड़ किया जाए। फिर अगो आते ने हजरत जी साढ़े पीर साहब 18 साल हो गए ने सुते ही नहीं। वो ये ते अल्लाह की सिफत है, ला ता खुदू सीना तू अला नऊ, अल्लाह नहीं सौंदा, अल्लाह ऊंगदा भी नहीं। ते हक खतीब साहब आते ने 18 साल हो गए ने मैं सौ के नहीं वेख्या। और रब के मुकाबले किस गल का इंतजार कर रहे हैं? पत्थर की बारिश का इंतजार कर रहे हैं? किड़े असाब का इंतजार कर रहे हैं? और यार अपने अपने तौर पर मीडिया से आवाज़ उठाओ, इन्हों सारिया गुमाश्तियां शोभ देबाजा इन्हों धोखेबाजा इन्हों लोगों के सामने बेनकाब करो। सलाम है सैयद इकरारुल हसन साहब न, सलाम है उन्होंने अकीदत को जिन्होंने सारे शोभ देबाजा गुमनाम किया है, उन्होंने सरेआम किया। अगर अपने दुखों का मदावा लेना चाहना है तो पढ़िया कर इस्तगफार, पढ़िया कर इस्तगफार। अल्लाह पाक को अपने गुनाहों की माफ़ियां मंगिया कर, फिर वेखी अल्लाह तेनू किवें बरकतां अता करदा है, फिर वेखी अल्लाह तेनू किवें माल अता करदा है, फिर अल्लाह तेनू किवें शिफावां अता करदा है। इत्थे कोई ये ना कहे कि पता नहीं ये हजरत मौला अली पाक नूं नहीं मानदे, मेरे ईमान का हिस्सा है मौला अली की मुहब्बत। बड़े लोग जुमे तो बाजी इतराज करते हैं हजरत जी तुम सहाबा का नाम लेंदे हो लेकिन हजरत अली पाक का नाम नहीं लेंदे। सुनो अज का पैगाम, मेरे ईमान का हिस्सा है हजरत अली पाक की मुहब्बत। मौला अली कायनात शेरे खुदा और जिदे ईमान नबी पाक ने ईमान की कसवटी करार दिता हो, मौजू तो हट के एक दो मिनट अंदर अपनी बात को मुकम्मल करांगा। और जिदे ईमान नबी पाक ने कसवटी तैयार किया हो ओदे ईमान चंदर असी शक कर सकते, वह बोलो तो सही शक कर सकते। शेरे खुदा का जिक्र कर रहे हैं, शेर बन के बोलो कर सकते। अगर कोई सुन कर अली का अकीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए, अगर कोई सुन कर अली का अकीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए, अगर नाम है दर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए, अगर नाम है दर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए। अली ने कहा था सर रब को झुकाओ, सर रब को झुकाओ, जो दर दर पे सर रब ने को झुकाए जहन्नुम में जाए। क्योंकि जिदे नामा अमाल अंदर तो गीद नहीं, अल्लाह ने जहन्नम तैयार की थी है, जो दर दर पे सर रब ने को झुकाए जहन्नुम में जाए।
अगर कोई सुन कर अली का अकीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए, अगर नाम है दर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए। अली तो आए थे बिदात मिटाने, अली तो आए थे बिदात मिटाने, बिदात मिटाने। जो अब कोई भी बिदात फैलाए जहन्नुम में जाए, अगर कोई सुन कर अकीदा अली का बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। अगर है दर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए। अली का कीदा और सुनो अली पाक नु मनन वाले हो, भंग दे प्याले पी के चरस दा सूटा ला के शराब दियां बोतलां पी के, अली ए साडे मौला अली पाक नहीं। मेरे ते इल्जाम लान तो पहला मेरा ईमान नोट कर, मैं हजरत अली पाक दा नाम लेना बा वुजू होके मिंबर ते चढ़ के लेना, मैं हजरत अली पाक दा नाम बगैर वुजू तो अपने नशे दे लत अंदर नहीं लेंदा। मेरा अली नमाजी अली, मेरा अली तहज्जुद गुजार अली, मेरा अली वफादार अली, मेरा अली शेरे खुदा अली, मेरा अली शेरे जलीक अली, मेरा अली मौलाए कायनात अली। अली नु मनन तो पहला उन्हां दा अकीदा भी पढ़िया कर। अली ने ते कदी किसे कबर ते जाके सिर नहीं सुटिया, क्यों जाफर साहब? यार मैं 8 साल दा दीन पढ़िया है, मैनू पूरी शरीयत अंदर कोई एक रिवायत एक हदीस भी नहीं मिली हजरत अली ने किसे कबर ते जाके सिर सुटिया होए। हजरत अली ने आख्या होए मैं मुश्किल कुशावां मेरे कोलो मंगो। हजरत अली नु मनन तो पहला उन्हां दा अकीदा भी नोट कर, अगर अकीदा नहीं तो मुहब्बतां बेकार ने। अली का अकीदा है सर रब को झुकाओ, रब को झुकाओ, जो दर दर पे सर रब ने को झुकाए जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुनकर अकीदा अली का बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए, अगर नाम है दर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए। अली का कीदा है मुश्किल कुशावो, है मुश्किल कुशावो, जो इस अकीदे को ठुकराएगा, जो इस अकीदे को ठुकराएगा खुदा की कसम वो दो दख में जाएगा। जो सुनकर अली पाक का ये कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। ऐते मैं गल की थी अपने मौजू तो हट के, क्योंकि एक इतराज सी मैनू दो तीन बंदिया ने कहा हजरत जी तुसी हजरत अली पाक दी शान नहीं मानते। मैं कहा मैं इस अली नु माना जिदा जिक्र इस पाक कलाम अंदर है, जिदा जिक्र मैं अपने आप की इबादत समझना, जिदा जिक्र मेरे ईमान का हिस्सा है। तो हजरत मेरा मौजू वापस उस गल वल लुटिए, जिहड़ा बंदा इस्तगफार करता है वो हालात बेहतर किवें हो सकते हैं। आखिरी वाक्या सुनावा, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का दौर है। हजरत इमाम साहब फरमाते हैं मैं सफर कर रहा, सफर करद्या करद्या मैं रात हो गई, रात हुई तो मैं एक मस्जिद के बूहे ते गया, तो मैं उत्थे दरवाजा दस्तक दिती। मैं कहा यार मैं मुसाफर हाँ तो मैं रहन की इजाजत दियो। तो अंदर जेडे मौलवी साहब सन, खादम साहब सन, इमाम साहब सन, क्योंकि हर मस्जिद अंदर कोई ना कोई ऐसा होंगे जो अपनी चौधर कराँदा। पूरे पाकिस्तान की गल कर रहा ओवरऑल,
हर मस्जिद अंदर घर अंदर मस्जिद अंदर एक ऐसा बाबा जरूर होंगे जेड़ा कहता कि सिर्फ मेरी मनी जाए मेरा हुक्म चले आ जाए हर गल ते इतराज हर चीज़ ते नुकता चीनी ते उन्होंने कहा हज़रत जी असी तुहानू जानते नहीं लिहाजा असी तुहानू रहन की इजाजत नहीं देंदे इनू नहीं पता ये जेड़ा गल कर रहा है ये वक्त का इमाम अहमद बिन हंबल कायनात दे लोगों इधर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल हजरत हजे उस बंदे दे नाल गुफ्तगू कर रहे ने थोड़ी देर गुजरती है एक बंदा आंदा आके आंदा हजरत जी क्यों बहस कर रहे हो तुसी कौन हो की चाहते हो साढ़े इमाम साहब दे नाल क्यों गल्लां कर रहे हो ते इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने यार मैं मुसाफर हाँ मैं रात रहनी चाहना सवेर होएगी तो मैं अपना सफर का आगाज कर देंगा मैनू रात रहन की इजाजत मिल जाए तो यह बंदा आंदा हज़रत जी अगर ये नहीं रहन देंदा तो मैं लै जाना मैं अपने घर तुहानू लै जाना इत्थे भी पैगाम लिख के दवांगा ओए वीरा लोगों नू दावत दिया कर यार अज तू मेरे नाल खाना खा हाँ यार अज मैं तेरी दावत की याद ना मैं कोई शह खवावा ये मुहब्बत बढ़ती है नबी पाक ने फरमाया मोमन का यह हक है कि दूसरे मुसलमान की दावत नू कबूल करे सानू मोबाइल तो ही वेल नहीं असी किसी नू की दावत देनी है किन्ने मुसलमान बंदे बैठे जे ईमानदारी दे नाले जवाब दिया जे वो कदी रब दी रज़ा वास्ते भी आखिया ही कि यार अज मेरा दिल कर रहा मैं तेनू कोई शह खवावा बल्कि अगला कह भी दे तू कहना मैं शहरों बाहर हाँ मैं ते है ही नहीं ते हजरत इमाम अहमद बिन हंबल खलोते ने बंदा आंदा मैं तुहानू नाल लै जावां ये अपने घर जाग जांदा है हजरत इमाम अहमद बिन हंबल सौं जांदे ने तहज्जुद वेले उठदे ने ये बंदा भी नाल उठ पैंदा वाकिया बड़ा ईमान वाला है तवज्जो मेरे वल रखिया जे ये बंदा तहज्जुद टाइम उठदा है नाल आटा गुनदा है नान पाईए नान दी दुकान इहदी तंदूर है नान लांदा है एक आटा गुनदा है नाल अपनी जुबान चो कुछ कलमे इस्तेमाल करता है हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने अल्लाह वाले आ मैं तेनू वेख रहा वा केड़े जुमले पढ़ना है आंदा हजरत जी मैं अपनी जुबान चो इस्तगफार ही करता रहना वो दुकानदार हो फैक्ट्री ऑनर हो कारोबार करने वाले हो मुलाजमो मजदूर हो तुसी कम करो तो गाने ला के तुसी कम करो तो मुजरे ला के तुसी कम करो कवालियां ला के मैनू सरूर नहीं आता काम आसान हो जाता है फिर आना अल्लाह बरकत नहीं देता यह आटा गुण दस तक फिर अल्लाह पढ़ता है तो हजरत इमाम साहब फरमाते ने वीरा कोई ऐसी हसरत जी अल्लाह ने ना कबूल की होए आंदा हजरत जी जदों का मैं वजीफा किया अल्लाह ने मैनू माल भी वाफर अता किया अल्लाह ने मैनू खाण पीन वास्ते भी खुला अता किया इमाम साहब फरमाते ने कोई ऐसी हसरत जी रह गई होए अल्लाह ने पूरी ना की होए आंदा एक कसरत ऐसी है वक्त दा इमाम इमाम अहमद बिन हंबले मेरा दिल कर दे मैं इमाम साहब की जियारत कर लवा इमाम साहब दियां अखां डुल पईआं आंदे ने वेख अल्लाह ने इस्तगफार की बरकत की वजह दे नाल इमाम अहमद नूं चला के तेरे घर अंदर ही लै आंदा है वजह की है इस्तगफार वजह की है अल्लाह कोलों मुआफ़ी अल्लाह कोलों मुआफ़ी मंग अल्लाह तेनू चार नेमतां अता करेगा आखर ते खुतबा जुमा दा निचोड़ खुलासा सुनो हालात बेहतर किवें हो सकते ने कारोबार च बरकत किवें आ सकती है परेशानियां दूर किवें हो सकदियां ने बीमारी तो शिफा किवें मिल सकती है परेशानियां किवें खत्म हो सकदियां ने इको ही कुलिया कुरान दे असूल दे मुताबक नबी पाक फरमांदे ने वयुरसिली समा अलैकुम मिदरारा जेड़ा बंदा इस्तगफार करदा है अल्लाह माल भी अता करदा है अल्लाह धियां पुत्र भी अता करदा है अल्लाह बगात भी अता करदा है अल्लाह कारोबार च बरकतां भी अता करदा है इस्तगफार नूं अपनी जिंदगी अंदर लाजम पकड़ यार कर ही लै हवला एक दिन अजमा ही लै पढ़ छड़ 500 मरतबा इस्तगफिरुल्लाह पढ़ छड़ 200 मरतबा इस्तगफिरुल्लाह अजमाई लै वेखी अल्लाह किवें बरकतां अता करदा है अपने गुनाहों की माफी मंगिया कर ते आखर ते जुमले पढ़ा ते गल मुकाइए नमाज खड़ी करिए माफियां दे कलमे अज फेर अल्लाह सोनिया कहो सुभान अल्लाह और यार जेड़ा ते अपना माफीनामा साफ करवाना चाहता नामा अमाल क्लियर करवाना चाहता वह कह सुभान अल्लाह जिन्हों अपनी इबादत ते मान है कि मैं बड़ा नेक हाँ मैनू कोई लोड़ नहीं ना बोले जेड़ा मेरे वर्गा गुनेगार है वह कह सुभान अल्लाह
माफिया दे कलम अज फेर अल्लाह सोने साड़ी जमात कुरान सुन्ना मूवमेंट दे चेयरमैन जिला सियालकोट दे भाई मलक हसीब साहब तशरीफ लै दिल दी था गिराई तो खुश आमदीद माफिया दे कलम अज फेर अल्लाह सोने माफिया दे कलम अज फेर अल्लाह सोने माफिया दे कलम अज फेर अल्लाह सोने गल ए पसंद तेनू ढेर अल्लाह सोने चंगा हाँ या मंदा हाँ आखर तेरा बंदा हाँ चंगा हाँ या मंदा हाँ आखर तेरा बंदा हाँ आउंदे आउंदे हो गई मैं तो देर अल्लाह सोने आउंदे आउंदे हो गई मैं तो देर अल्लाह सोने माफिया दे कलम अज फेर अल्लाह सोने गल ए पसंद तेनू देर अल्लाह सोने गफलत अंदर मौला मैं जिंदगी गवा लई गफलत अंदर मौला मैं जिंदगी गवा लई सार तक गुनावा विच घेर अल्लाह सोने सार तक गुनावा ने लिया घेर अल्लाह सोने माफिया दे कलम अज फेर अल्लाह सोने दसा कि मैं मौला अतावा होया केड़िया दसा कि मैं मौला अतावा होया केड़िया वज गया मैथों हनेर अल्लाह सोने माफिया दे कलम अज फेर अल्लाह सोने तेरिया अतावा अगे मेरिया खतावा की साढ़े गुनाह वड्डे नहीं अल्लाह की रहमत वड्डी है तेरिया अतावा अगे मेरिया खतावा की तेरिया अतावा अगे मेरिया खतावा की अल्लाह तेरिया अतावा अगे मेरिया खतावा की टणा दे मुकाबले विच शेर अल्लाह सोने माफिया दे कलम अज फेर अल्लाह सोने माफिया दे कलम अज फेर अल्लाह सोने गल ए पसंद तेनू ढेर अल्लाह सोने यार जिंदा सोबत बाकी इन अल्फाज इत्तेफाक दा खत्म करना व आखिर दावाया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।